प्राचीन काल की कहानियाँ वर्सेस कोरोना काल की कहानियाँ। घमंडी कौवा और हंसराज। एक कौवा था, एक बार उसने अपने पूर्वज प्यासे चतुर कौए की कहानी सुनी, जिसमें उसके पूर्वज कौए ने घड़े में कंकर डालकर पानी का स्तर ऊंचा उठा लिया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। अपने पूर्वज कौए की प्रशंसा सुनकर कौवा घमंडी हो गया और वो खुद को संसार का सबसे सुंदर, चतुर और सबसे तेज पक्षी मानने लगा। एक बार उड़ते उड़ते वो समुद्र के पास पहुंच गया। वहां उसने हंसों का एक झुंड देखा। कौवा चिल्लाया, हंस तुम बदसूरत हो, मैं किसी भी बदसूरत पक्षी को अपने पास बर्दाश्त नहीं करूंगा। हंसों के नेता ने कौए को सज्जनता से जवाब देते हुए कहा, इस संसार में भगवान द्वारा बनाए गए पक्षियों में हंस सबसे खूबसूरत हैं। कोई भी अन्य पक्षी हंस जाति की सुंदरता और समुद्र के ऊपर उड़ने में उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा है, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, कौए ने क्रोधित होकर जवाब दिया। हंसों की उड़ान अच्छी नहीं है, वे उड़ने की कला जानते ही नहीं है। यह कहकर कौवा हंस राज को अपनी चाल दिखाता है। उसने हवा में कलाबाजी की, उसने ज़िगज़ैग पैटर्न बनाया और उन्होंने हवा में भी थोड़ी दूर तक उड़ान भरी। कौए ने हंसों के नेता को समुद्र के ऊपर उड़ने की चुनौती दी। हंसों के नेता ने चुनौती सहर्ष स्वीकार कर ली और प्रतियोगिता शुरू हो गई। कौवा तेजी से ऊंचाई पर उड़ चला, हंस ने धीरे धीरे ऊंचाई और गति प्राप्त की। कौवा शुरू में तो खूब तेज उड़ा, लेकिन जल्दी ही वो थक गया। पानी के ऊपर उड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब वो मूर्ख कौवा समुद्र के अथाह पानी में पेड़ की तलाश कर रहा था। बेचारा कौवा ज्यादा उड़ न पाया, थक कर पानी पर बैठना चाहा। पानी पर बैठते ही वो डूबने लगा और मदद के लिए चिल्लाया। वहां पर हंसराज चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाया और बेचारा कौवा डूब गया। सन 2019, 2020 और 2021 सारा संसार कोरोना नामक महामारी की चपेट में आ गया। जानवरों ने इस कठिन काल में बहुत ही समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। सन 2020 में पुनः एक घमंडी कौए ने हंसों के नेता को समुद्र के ऊपर उड़ने की चुनौती दी। हंसों के नेता ने चुनौती अन्य मन से स्वीकार कर ली। हंसराज ने प्राचीन कथा पढ़ी थी, वो इस बार कौए की जान बचाना चाहते थे, लेकिन साथ में उसको सबक भी सिखाना चाहते थे। इस बार हंसराज ने अपने साथियों से आंखों आंखों में कुछ बातें की और प्रतियोगिता शुरू हो गई। कौवा तेजी से ऊंचाई पर उड़ चला, हंस ने धीरे धीरे ऊंचाई और गति प्राप्त की। कौवा शुरू में तो खूब तेज उड़ा, लेकिन जल्दी ही वो थक गया। पानी के ऊपर उड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब वो मूर्ख कौवा समुद्र के अंदर पेड़ की तलाश कर रहा था। बेचारा कौवा ज्यादा उड़ ना पाया, थक कर पानी पर बैठना चाहा। पानी पर बैठते ही वो डूबने लगा और मदद के लिए चिल्लाया। इस बार हंसों का झुंड कौए के साथ साथ उड़ रहा था। हंसों ने कौए की मदद की और उसको किसी तरह समुद्र तट तक पहुंचा दिया। सब ने मिलकर कौए को धीरे से रेत पर रख दिया। कुछ समय बाद जब कौए को होश आया तो कौए ने हंसों से कहा, भाइयों, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं झूठी शान के नशे में था और मैं अपने घमंड में चूर था। मैंने आप सभी को नाराज किया,
मैं साधारण पक्षी हूँ। भगवान ने सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न रंग रूप प्रदान किया है और साथ ही मैं भिन्न भिन्न गुण भी प्रदान किए हैं। मुझे अब यह समझ में आ गया है, सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। कृपया मुझे माफ करें बच्चों, जब हंस कोरोना काल में इतनी समझदारी से काम कर सकते हैं तो आप किसी से कम नहीं हैं। बच्चों, कोरोना काल में अपनी सूझबूझ से एक हंसराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कोए की जान बचा ली। उस हंस की तरह अपने इरादे पर दृढ़ रहिए, अपना जीवन भी बचाइए, अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों को भी कोरोना से दूर रहने के लिए प्रेरित करते रहिए। मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर प्रयोग करते रहिए। कोरोना काल में कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना कीजिए और उन पर विजय पाइए। अच्छे अच्छे मित्र बनाते रहिए, अच्छे मित्र जीवन भर साथ देते हैं। अपने साथ भला करने वाले के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। बच्चों, हंसों से सीखो, लेकिन सीखो जहां से सीखने को मिले, वहां से सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।